नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोहित्रा। दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्य है जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। जो लोग इस तरह के रहस्य को जानते हैं वो चौंक जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताएंगे। ये रहस्यमय गांव ईरान में। इस गांव की खासियत है बौना होना। जी हाँ, अफगानिस्तान ईरान की सीमा से सटा हुआ एक ईरानी गाँव है जो अपने आप में अनोखा है। ईरान के माखोनिक नाम के इस गाँव को बौनों का गाँव कहा जाता है। इस गांव की लगभग पूरी आबादी आज से लगभग 200 साल पहले इतने कम कद की होती थी कि उनके घर से लेकर जरूरत की दूसरी चीजें भी एकदम छोटी बनाई जाती थी। आज भी माखोनिक में बहुत से मकान मिनिएचर मकान की तरह दिखाई देते हैं। हालांकि अब यहां के लोगों के कद थोड़े बड़े हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था और उनकी औसत ऊंचाई कम होती थी। साल 2005 में गाँव का नाम इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में तब बना जब वहां खुदाई के दौरान एक ममी मिली। उसकी लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर थी। इससे पहले भी कई बार ये चर्चा हुई थी कि ईरान के इस गांव में आज से 200-300 साल पहले बौने रहते होंगे। ममी मिलने के बाद विशेषज्ञ इसे पक्का मानने लगे। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि ममी समय से पहले जन्मे किसी बच्चे की भी हो सकती। जो भी हो, इस बात में कोई शक नहीं कि पहले इस गाँव में कम कद के लोग रहते होंगे। इसके पीछे एक्सपर्ट कुपोषण को जिम्मेदार ठहराते हैं। तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि ये ईरान का काफी बंजर इलाका है, लिहाजा अनाज और फल फूल की पैदावार यहाँ नहीं थी। जो थोड़ी बहुत चीजें उपजती भी थी वो बेर, शलजम और जौ जैसी चीजें थी। गांव के लोग इसे ही खाकर गुजारा करते थे। धीरे धीरे उनमें शारीरिक विकास घटने लगा और फिर कम कद वाले लोगों से गाँव भर गया। गांव और इसके आसपास के काफी बड़े इलाके में पानी में मरकरी की अधिकता, इस वजह से भी कद पर असर पड़ा और लोगों की हाइट कम होती गई। अब शहरों से जुड़ने और खानपान में बदलाव के बाद शारीरिक विकास तो हुआ, लेकिन अब तक गांव के लोग औसत से कम कद के ही। लिलीपुट ऑफ ईरान कहलाने वाले इस गांव में लगभग 200 घर है। इनमें से लगभग 80 घर अब भी ऐसे हैं जिनमें 2 से 3 फीट के लोग ही रह सके। वहाँ घरेलू जरूरतों के सारे सामान भी छोटे छोटे। यहाँ के घर फिलहाल ईरान में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये नेथोलिथिक काल के घरों से प्रेरित दिखते हैं। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि पाषाण युग के खत्म होने से ठीक पहले का समय था जब इंसानों ने घर बनाना और खेती करना सीखा। घर मिट्टी और खपड़ैल से बनने लगे जिनमें कम से कम खिड़कियां। जानकारों की माने तो ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद इस बंजर गांव से लोगों का बाहर जाना तो शुरू हुआ, लेकिन तब भी यहां आर्थिक बदहाली। सूखे के कारण यहां खेती का काम नहीं होता, ना ही कोई दूसरा रोजगार। यही वजह है कि यहां के युवा ईरान के शहरों का रुख करने लगे। वैसे इस गांव का आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत अनूठा है। यही वजह है कि कुछ जानकारों को उम्मीद है कि इस गांव में सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। पर्यटन बढ़ने से यहां के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। इसी तरह से चीन में सिचुआन प्रांत के एक गांव को भी दुनिया भर में बौनों का गांव कहा जाता है। यांगसी नाम के इस गांव की आधी से ज्यादा आबादी की ऊंचाई लगभग 2 फीट। यहां के लोगों की ऊंचाई कम क्यों है, ये बात आज भी रहस्यों के साए में। वैज्ञानिकों ने यहां की मिट्टी से लेकर पानी और हवा तक का अध्ययन किया, लेकिन कुछ भी ऐसा अलग सा सामने नहीं आया जो इसकी पक्की वजह बता सके। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के गांव और चीन के गांव में क्यों बौने पैदा होते हैं और उसके क्या कारण हैं।